यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केदारनाथ आपदा के जख्म अभी भरे नहीं है। अब ये खबर है कि लापता तीर्थ यात्रियों के नरकंकाल की खोजबीन की जाएगी। इसके लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं। ये 10 टीमें लापता हुए यात्रियों की खोजबीन करेंगी। तो जो लापता तीर्थ यात्री हैं उनके नरकंकाल तलाशे जाएंगे। 4 दिनों तक केदारनाथ जाने वाले ट्रैक पर यह जांच की जाएगी और इसके लिए 10 टीमों को गठित किया गया है। ये पुलिस की 10 टीमें जो लापता तीर्थ यात्री हैं उनकी तलाश करेगी, उनके नरकंकालों की तलाश करेगी। केदारनाथ आपदा के जख्म अभी भरे नहीं है। अब यह खबर है कि लापता तीर्थ यात्रियों के नरकंकाल की खोजबीन की जाएगी। इसके लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं। ये 10 टीमें लापता हुए यात्रियों की खोजबीन करेंगी। तो जो लापता तीर्थ यात्री हैं उनके नरकंकाल तलाशे जाएंगे। 4 दिनों तक केदारनाथ जाने वाले ट्रैक पर यह जांच की जाएगी और इसके लिए 10 टीमों को गठित किया गया है। ये पुलिस की 10 टीमें जो लापता तीर्थ यात्री हैं उनकी तलाश करेगी, उनके नरकंकालों की तलाश करेगी। केदारनाथ आपदा के जख्म अभी भरे नहीं है। अब ये खबर है कि लापता तीर्थ यात्रियों के नरकंकाल की खोजबीन की जाएगी। इसके लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं। ये 10 टीमें लापता हुए यात्रियों की खोजबीन करेंगी। तो जो लापता तीर्थ यात्री हैं उनके नरकंकाल तलाशे जाएंगे। 4 दिनों तक केदारनाथ जाने वाले ट्रैक पर यह जांच की जाएगी और इसके लिए 10 टीमों को गठित किया गया है। ये पुलिस की 10 टीमें जो लापता तीर्थ यात्री हैं उनकी तलाश करेगी, उनके नरकंकालों की तलाश करेगी। केदारनाथ आपदा के जख्म अभी भरे नहीं है। अब यह खबर है कि लापता तीर्थ यात्रियों के नरकंकाल की खोजबीन की जाएगी। इसके लिए पुलिस की 10 टीमें गठित की गई हैं। ये 10 टीमें लापता हुए यात्रियों की खोजबीन करेंगी। तो जो लापता तीर्थ यात्री हैं उनके नरकंकाल तलाशे जाएंगे। 4 दिनों तक केदारनाथ जाने वाले ट्रैक पर यह जांच की जाएगी और इसके लिए 10 टीमों को गठित किया गया है। ये पुलिस की 10 टीमें जो लापता तीर्थ यात्री हैं उनकी तलाश करेगी, उनके नरकंकालों की तलाश करेगी।